सूरज की पहली किरण जब इस शहर के मंदिरों से होकर गुजरती है और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ साथ अजान का स्वर भी यहाँ की हवाओं में गूंजने लगता है तो इस छोटे से शहर का अस्तित्व परिभाषित होता है। अतीत मानो इस अनंत मेल की खूबसूरत गहराई में कहीं खो जाता है। पुरानी इमारतों और बाजारों से लेकर आज ये शहर प्राचीन और समकालीन संस्कृति का एक अद्भुत मिश्रण है। शाह हारूनपुर जैसे कि इसे मेडिवल पीरियड में कहा जाता था, यहाँ सहारनपुर को सूफी संत शाह हारून चिश्ती के नाम से जाना जाता है। नाचीज का नाम केदारनाथ प्रभाकर। और जिस शहर में आप तशरीफ लाए हैं सहारनपुर, यहाँ पर बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं शाह हारून चिश्ती, ये उनके नाम पर आबाद है। और ये शायद अकबर आजम के पहले की बात है, उनका मज़ार यहाँ सहारनपुर में मज़ार दीनानाथ में मौजूद है। और जो सबसे बड़ी बात है, उसको जो मजावर हैं वो हिंदू हैं, क्षत्रिय जो उस विमान में साथ आए काबुल से। और क्योंकि ये इलाका जंगल के बीच में था, यहाँ से हरिद्वार होकर रास्ता जाता है, इस तरफ यमुना है इधर गंगा है, तो ये इसके पास सरसावा जगह है, वो यहाँ का सेंटर था। महमूद गजनवी जब आया तो पहले सरसावा पर आक्रमण किया, इस रास्ते से गया। जो चूँकि यहाँ लकड़ी की शुरू से ही बकसरत में होती थी, यहाँ की आबोहवा, यहाँ के लोग, तो लकड़ी के ऐसी भी लकड़ियाँ हुई जो 300-400 साल के दरख्त पुराने सीजन वुड जिन्हें कहते हैं, वो कुदरती यहाँ हुए। उससे फिर जो लकड़ी के हुनर के जो कोई माहिर थे, कोई यहाँ तशरीफ लाए, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। वैसे लकड़ी शब्द ऐसा है कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जग बासा लकड़ी का। रोज़मर्रा के जनजीवन से ओत प्रोत यह शहर आम जिंदगी की सादगी का प्रतीक है।
लकड़ी के हस्तशिल्प ने इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय नक्शों पर दर्ज किया। अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन जैसे कई देशों को लकड़ी की कलाकृतियों और खूबसूरत नक्काशीदार उत्पादों को निर्यात किया। शहर छोटा मगर संवेदनशील और जीवित है, और जैसा कि आप शहर की ओर चलते हैं आपका ध्यान आकर्षित करती है अंबाला रोड से चिल्काना रोड तक की लंबी कतारों में लकड़ी की कलाकृतियों और उत्पादों की शानदार दुकानें। यहाँ की कारीगरी शुरुआती दौर में जहाँ तक मेरी नॉलेज, एक हाजी इमाम साहब थे, उन्होंने इसको काफ़ी उठाया है ताजमहल से और बहुत सारी मुगलई चीज़ों से इंस्पिरेशन लेके काम किया है। आज जब ये मशहूर होनी शुरू हुई तो गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट डीसी ऑफिस और यूपी एक्सपोर्ट कारपोरेशन की तरफ से काफ़ी इसको प्रोत्साहन मिला, जिससे कि यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हुआ। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के नाम से एक संस्था है, उसने हमें फेयर करने का मौका दिया, जिससे हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टर बड़े हैं। और ये हमारा जो लकड़ी का काम है ये पहले सागवान पे और शीशम पे होता था, और जब शीशम और सागवान की अवेलेबिलिटी कम हुई तो इसको नई खोज करके मैंगो वुड पे करना शुरू किया। आज की तारीख में हमारे यहाँ काफ़ी मंडियों में लकड़ी आती है और गवर्नमेंट के डिपो से लकड़ी आती है, और हमारे यहाँ दरवाजे बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ फर्नीचर बनता है, हमारे यहाँ फ्रेम्स बनते हैं, हमारे यहाँ टेबल्स बनती हैं, और हर तरह का सहारनपुर के अंदर अब काम होता है। ऊपर वाले का शुक्र है, लोग बहुत मेहनत करते हैं, हज़ारों की तादाद में कारीगर लाखों की तादाद में काम करते हैं, लाखों लोगों की रोजी रोटी इस काम से सहारनपुर की जुड़ी हुई है। भाई जितने भी एक्सपोर्ट हाउस हैं, जितनी भी जगह से एक्सपोर्ट होता है उन सबका रजिस्ट्रेशन MSME में होता है और DIC में होता है, और सबका EPCS में रजिस्ट्रेशन होता है, और तमाम का सेल टैक्स में सब जगह रजिस्ट्रेशन होता है, GST में, BIRSK में, FSC में, SEDEX में, सब जगह हमारे पूरे रजिस्ट्रेशन होते हैं। और इस सब की हम जो भी औपचारिकता है, जो भी उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनका पूरा पालन करते हैं। भारत में लकड़ी की नक्काशी प्राचीन काल से प्रचलित है। जब घरों के प्रवेश द्वार हिंदू देवी देवताओं के सुंदर एवं जटिल डिजाइनों से सजाए जाते थे, महीन और जाली के काम में जटिल डिज़ाइनों को सहारनपुर के कारीगरों ने लकड़ी की नक्काशी को बेजोड़ आकार दिया और अपने कौशल से उसे उत्कृष्ट और शानदार शिल्प प्रदान किया। यहाँ पर हमारे फनकारों ने लकड़ी को वो ज़बान देने का काम किया जो लकड़ी किसी ज़माने में जलाने के काम आती थी, जिसको हम सोख्ता कहते हैं, सोख्ते में इस्तेमाल होती है, उस पर वो फन का मुजाहरा किया कि सहारनपुर जैसी छोटी जगह का नाम पूरी दुनिया के नक्शे पर एक नुमाया तौर से उभर कर आया।
आज पूरी दुनिया में सहारनपुर की नक्काशी, यहाँ की कार्विंग मशहूर है। यहाँ का फर्नीचर, यहाँ का काम पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं ये चार मिसरे उस्ताद शायर हमारे यहाँ के हुए हैं शौक मानवी साहब मरहूम, उनके अपने उन कारीगरों के नाम करना चाहता हूँ जिन्होंने गुमनामी की ज़िंदगी गुजार कर इंडस्ट्री को एक नाम देने का, लकड़ी को ज़िंदा करने का काम किया। लब पे दुनिया की जो थी बात बदल दी तुमने, लब पे दुनिया की जो थी बात बदल दी तुमने, बात क्या सूरत हालात बदल दी तुमने। वक्त के ताज पे कुछ कांच के टुकड़े जड़ कर, वक्त के ताज पे कुछ कांच के टुकड़े जड़ कर, खाक के जर्रों की औकात बदल दी तुमने। मैं तमाम कारीगरों के नाम ये चार मिसरे करके आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कला ये सुनिश्चित करती है कि लकड़ी का प्रत्येक टुकड़ा हाथ से तैयार किया गया हो। विशाल ब्लॉकों को मंडी से लाया जाता है और उत्पाद के अनुसार वांछनीय टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक लकड़ी के टुकड़ों को एक उत्पाद में तब्दील करने के लिए उसे तराशा जाता है और हर टुकड़े से नमी निकालने के लिए उसे धीमी गति से गर्मी की प्रक्रिया से गुजरना होता है। लकड़ी के इन टुकड़ों को फिर साफ और चिकना किया जाता है। डिज़ाइन पहले कागज़ पर बनाए जाते हैं और स्याही का उपयोग करके लकड़ी पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। फिर विभिन्न प्रकार से इन्हें तराशने के बाद पानी या ऑयल कलर के साथ चित्रित किया जाता है। पांच मुख्य प्रकार की नक्काशियाँ इस काम में दिखाई देती हैं: अंडरकट, लेटेस्ट काम, अर्ध नक्काशी, गहरी नक्काशी और ऊपरी नक्काशी। इसके बाद उस पर लय का काम किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें लकड़ी के टुकड़ों को एक छड़ी से दबाकर उस पर लय का काम होता है ताकि वे अत्यधिक दबाव से बचे रहें। तेल लगाकर हर टुकड़े को बेहतर पॉलिश से चमकाया जाता है। लकड़ी की चमक को उभारने के लिए उसे बफिंग की प्रक्रिया से गुजरना होता है। ये कार्य आमतौर पर एक खराद मशीन की मदद से किया जाता है। लकड़ी की नक्काशी, काटने, संयोजन और चमकाने की पूरी प्रक्रिया शिल्पकार के धैर्य और परिश्रम की कड़ी मेहनत और सफलता का प्रतीकात्मक परिणाम है। और ये कला प्रत्येक पीढ़ी से आने वाली पीढ़ियों को विरासत में दी जा रही है। सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी का उद्योग स्वतंत्रता के बाद तेज़ी से बढ़ा और आज शहर में करीब 500 लकड़ी कार्विंग इकाइयों में कार्यरत 1,00,000 से अधिक कारीगरों के लिए आजीविका प्रदान करता है। सहारनपुर का ये शिल्प धीरे धीरे विकसित हुआ और नए डिज़ाइनों, नाजुक नक्काशियों, उत्पाद विकास के अनुकूल समय के साथ प्रचलित हुआ। इस हस्तशिल्प में पीतल और तांबे की कलमकारी का काम भी शामिल किया गया। वो दुनिया थी जहाँ तुम बंद करते थे ज़बाने।
महशर है, ये महशर है, ये महशर है, यहाँ सुन पड़ेगी दास्तां मेरी, ये महशर है। चमन वालों ने मिलकर लूट ली तरसे खुगा मेरी, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तरसे खुगा।